सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज भी का मारियो आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट पे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि 31 मार्च तक स्कूल्स को वापस से बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। ऐसी एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। न्यूज़ में सिर्फ यही दावा किया जा रहा है, न्यूज़ में यही बताया जा रहा है कि बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो वापस से गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। तो गाइस, मैं आप सभी को सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि ये न्यूज़ एकदम फेक है। ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने अब तक नहीं बोला है। गवर्नमेंट ने ना ही ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करी है, ना ही गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नोटिस दिया है। तो गाइस, अगर आपको ये न्यूज़ मिली है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा ये न्यूज़ एकदम फेक है। गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ देती है स्कूल रीओपनिंग को लेकर, स्कूल क्लोज को लेकर, कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है, मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा सबसे पहले। तो गाइज, अगर आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिली है तो आप इसको इग्नोर करो। दूसरा, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये बोला कि सर, जो ये न्यूज़ मिली थी हमें, तो इस न्यूज़ में ये भी बात मेंशन की थी कि सभी के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए। ऐसी भी एक न्यूज़ निकल के आई इसी न्यूज़ के अंदर कई सोशल मीडिया पे, क्योंकि फेक न्यूज़ वायरल होती है तो आपको पता ही है कि बहुत कुछ फेक निकलता है उसमें। तो गाइज, मैं आपको कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने अभी ऐसी कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है कि बच्चों के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए या फिर बच्चों के एग्ज़ाम ऑफलाइन हो गए। ऐसा कोई भी नोटिस गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है, ना ही गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा है कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर आपके एग्ज़ाम नहीं हो गए। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है। गवर्नमेंट की तरफ से पिछले एक वीक के अंदर कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस वगैरह नहीं है स्कूल रीओपनिंग वगैरह को लेकर। तो गाइज, अगर आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिल रही है तो आप इसको इग्नोर करो और बचो, क्योंकि गाइज आपको पता ही है कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कई सारी फेक न्यूज़ निकलती है, तो इनसे आप बचो। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और गाइज, अगर आपको टेंशन हो रही है एग्ज़ाम को लेकर, ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर, तो आप टेंशन मत लो, गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। आपको जो भी इस पे रिपोर्ट है, आपके एक स्टेट में एग्जाम ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, ये पूरा फाइनल डिसीजन आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। आने वाली जो नई गाइडलाइंस आएगी उसमें आपको इसके ऊपर अपडेट मिल सकता है। तो गाइज, मेरे को उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट की जो टेंशन थी, जो सभी स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन था 31 मार्च से स्कूल्स बंद होने वाली न्यूज़ पे, तो सभी का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो ये न्यूज़ निकल रही है 31 मार्च तक सभी बच्चों के स्कूल्स बंद रहेंगे, वो न्यूज़ एकदम फेक है। बाकी गाइज, अगर मेरे को इस न्यूज़ के रिगार्डिंग कोई दूसरा अपडेट मिलेगा, फिर मेरे को इसी तरीके से कोई दूसरी न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आपको। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आज नहीं कर पे रहो, सेफ रहो।